एलेक्सा वाइट बल्ब को ऑन कर दो। एलेक्सा येलो बल्ब को ऑन कर दो। तो भाई ये जो छोटी सी चीज दिख रही है ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसको आपके लाइट के बोर्ड के अंदर लगा लीजिए, उसके बाद आपके दादाजी के जमाने का पंखा भी है ना वो भी स्मार्ट हो जाएगा। आप उसे बोलोगे कि भाई चालू हो जा तो वो चालू हो जाएगा, और जब आप बोलोगे कि बंद हो जा तो वो बंद हो जाएगा। तो भाई ये जो चीज है हर डिवाइस को स्मार्ट बना सकती है। तो भाई इसका पावर आप जानते नहीं हो, ये हर चीज को वश में कर लेता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को। तो चलते फटाफट स्टूडियो के अंदर और देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हो आप, अपने लाइफ को स्मार्ट बना सकते हो। तो चलो भाइयों बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और सारा सामान बाहर की साइड में निकाल लेते हैं। और ये जो सामान है मैंने flyrobo.com से मंगवाया है, जहां पर आपको काफी कम रेट में और अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर आप चेक कर सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तीन टाइप के यहाँ पर स्विचेस मंगवाए हैं, 1-way, 2-way और 4-way का। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इनको बस एक बार इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपका जो होम है वो स्मार्ट बन जाएगा। तो छोटे से बॉक्स के अंदर आता है, देख सकते हो इस टाइप से, और एक यहाँ पर यूज़र मैनुअल मिल जाता है आपको, और इस टाइप का जो हमारा ये डिवाइस मिल जाता है। ये गाइज आपको देख सकते हो पीछे की साइड में यहाँ पर एक स्विच मिल जाएगा आपको, जो कि हमारा रीसेट स्विच है, इसको दबा के हम रीसेट कर सकते हैं। आगे की साइड में यहाँ पर कुछ कनेक्शन मिल जाएंगे, जिसके ऊपर की साइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर करना है। तो वो था 1-way और ये था 2-way जो आप देख सकते हो, इसके भी बिल्कुल सेम कनेक्शन है। यहाँ पर आप कर सकते हो, इसके अंदर दो आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे टीवी हुई, एक यहाँ पर आप लाइट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। पीछे की साइड में भी एक स्विच मिल जाएगा, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हम चार कनेक्शन कर सकते हैं, टीवी, लाइट बल्ब, फैन का, या फिर आप कुछ भी लगा सकते हो इसके अंदर, चार्जर हुआ, कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखते हो सामने की साइड में से कनेक्शन दिए गए हैं, और स्विच का जो है इसके पीछे की साइड में वायर दिए गए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये जो है हमारा काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन होता है इनका। मैं आपको यहाँ पर पूरा कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ, और कोई बच्चा भी होगा ना तो इसको इजीली यूज़र मैनुअल के अंदर देख कर कर सकता है कनेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे डिवाइस है उसको ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इस बॉक्स के अंदर इसको फिट करके दिखाने वाला हूँ। ये जो है हमारा नॉर्मल जो हमारे घर के अंदर लगा होता है उस टाइप का बटन वाला बोर्ड है, और यहाँ पर आपको मैं तीन इसके अंदर लाइट लगा कर दिखाने वाला हूँ। तो जो यूज़र मैनुअल दी गई है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसके अंदर पूरी वायरिंग दी गई है किस टाइप से इसका कनेक्शन करना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन है, आप ऐसा टेंशन मत लीजिए कि हमें सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा, कोई हमें मशीनरी लेनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं लेना है आपको, बस एक पेचकस लेना है, और यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है घर का उसको खोलना है, और पीछे की साइड में इसका कनेक्शन करना है जैसे कि यूज़र मैनुअल में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे स्विच है, यहाँ पर मैं तीन स्विच का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि चार स्विच का बोर्ड मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर तीन से हम यहाँ पर इसको चलाएंगे वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे स्विच है उनको नीचे से कॉमन कर देना है, मतलब एक जैसा कर देना है, सारे शॉर्ट कर देना है नीचे से, और जो हमारा ब्लैक कलर वाला जो वायर है हमारे मॉड्यूल के अंदर उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देखते हो चार वायर दिए गए जो चार स्विच के लिए, लेकिन हमारा स्विच तीन है, तो यहाँ पर तीनों स्विच के अंदर एक एक वायर को लगा देंगे, और एक वायर जो यहाँ पर छोड़ देंगे हम। और भाइयों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वायर मैंने छोड़ दिया और सारे कनेक्शन हो चुके हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर इस बॉक्स को जो हम अंदर की साइड में पैक कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कनेक्शन करने वाला हूँ आप सभी के लिए, तो बाहर की साइड में इसको लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड में एन इन और एल इन लिखा हुआ है, मतलब न्यूट्रल और लाइन जो है इन करना है, और नीचे की साइड में देख सकते हो स्विचेस लिखा हुआ है जिसके अंदर चार हम कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा कनेक्शन, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, और दो वायर लगा देता हूँ जिसके अंदर डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई देंगे हम। और यहाँ पर जो देख सकते हो जो तीन यहाँ पर बल्ब लेने वाला हूँ अलग अलग कलर के, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनके लाइन वाला जो है रेड कलर वाला वायर, वो सारे के सारे इनके अंदर लगा देंगे। अब यहाँ पर जो ब्लैक वाले वायर थे जो हमारे मॉड्यूल के अंदर जा रहा था और जो हमारे बल्ब के अंदर जा रहा था, इन सभी को एक साथ लेकर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा वायर लेंगे जो कि थोड़ा लंबा हो, जो हम डायरेक्टली 220 वोल्ट सप्लाई दे सके, इसके अंदर मेन जो लाइन होगी उसके अंदर कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। जो ब्लैक वाले वायर जो हमारे न्यूट्रल है उनको एक साथ करना है, और जो लाइन है वो बस मॉड्यूल के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूल जो है स्विच का काम करने वाला है। अब यहाँ पर इनको टेप से कवर कर देंगे, जो भी काम करो टेप से काम करना है आपको, 220 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, आप छोटे हो तो किसी बड़े की मदद से ही काम करना है, खुद को काम नहीं करना है वरना चिपक जाओ कहीं। अब यहाँ पर इसके अंदर पावर सप्लाई देंगे हम डायरेक्टली 220 वोल्ट मेन लाइन में लगा देंगे इनको,
तो फाइनली कि यहाँ पर हमारा जो सप्लाई आ चुका है। अब यहाँ पर इनको स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं है डिस्चार्ज हो गया तो हम डायरेक्टली स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, मोबाइल से कनेक्ट करना होगा, तो हमें यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है स्मार्ट लाइफ। ये आपको यूज़र मैनुअल जो इसके अंदर एक कागज़ नहीं मिलेगा उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कैसे डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसको और मैं भी आपको वीडियो में दिखा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप का आपको आइकन दिखेगा स्मार्ट लाइफ का और इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में जैसे यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है उसी टाइप से इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं फटाफट से कनेक्शन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हमें कुछ अलाउ करने पड़ेंगे, जैसे मतलब परमिशन देनी पड़ेगी हमें, जैसे कि लोकेशन की परमिशन और कुछ परमिशन मिलेगा, इनको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद जैसे आपको यूज़र मैनुअल में दिया गया उसी टाइप से आप फॉलो करिए। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। आपके घर में वाईफाई होगा तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे मोबाइल से आपको क्या करना है हॉटस्पॉट ऑन करके उससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा इजीली कनेक्शन हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इधर में आपको क्या करना है कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम यहाँ से देख रहे हैं। और आप अगर इसको घर पे लगाओगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप कनेक्ट करना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी जो नया स्टूडियो बन रहा है अपना, अभी कुछ टाइम लगेगा उसमें, तो उसके अंदर ही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं इन सभी स्विचेस को। तो वहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ों को इससे लगाऊंगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये मैं इसको फटाफट से कर देता हूँ। और एक और बात बताता हूँ, इसको जैसे हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो ये नाम पूछेगा डिवाइस का। आप डिवाइस का नाम जो रखोगे, जैसे आप किचन में लगाओगे तो किचन का नाम लिखना है, यहाँ पर रूम में लगा रहे हो तो रूम का, और जैसे आप हॉल में लगा रहे हो तो हॉल का, आप जहाँ भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारे मोबाइल के अंदर स्विच आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे मैं मोबाइल के अंदर स्विच को ऑन करूँगा तो हमारा जो देख सकते हो लाइट जो है ऑन ऑफ हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का जैसा लग रहा है। यहाँ पर आप कहीं मेहमान के साथ में बैठे हैं, आपको जैसे मान लीजिए लाइट ऑन करनी, फैन ऑन करना, तो कुछ भी नहीं, मोबाइल निकाला, मोबाइल से हम कनेक्ट करके ऑन कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हमने इस मोबाइल से इसको कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर एलेक्सा ऐप को इंस्टॉल करके उससे कनेक्ट किया है, ठीक है। आप गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हो और एलेक्सा से भी कनेक्ट कर सकते हो। एलेक्सा येलो बल्ब को ऑन कर दो। तो भाई देखिए भाई यार, इसने मैंने बोला और इसने काम कर दिया, हमारा येलो बल्ब जो है ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें व्हाइट बल्ब जो है इसको ऑन करवाते हैं, ठीक है। एलेक्सा व्हाइट बल्ब को ऑन कर दो। तो यार भाई देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया और हमारा काम हो चुका है। उसके बाद ये काम करने के बाद बोलती भी है कि ओके। तो अब यहाँ पर हम ब्लू बल्ब को ऑन करवाएंगे। एलेक्सा ब्लू बल्ब को ऑन कर दो। तो देखिए भाइयों, और इसने बोल भी दिया ठीक है, काम होने के बाद बोल देगी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कत है, काम कर देगी सारा का सारा। अब इससे बोलेंगे हम सारे जो बल्ब है उनको एक साथ बंद कर दें। एलेक्सा रूम ऑल ऑफ। तो अभी आल देखा आप सभी ने कि इस डिवाइस का नाम हमने रूम दे रखा था। हम यहाँ पर बेडरूम दे सकते हैं, किचन दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका हमने रूम दे रखा। तो मैंने यहाँ पर बोला इसको कि रूम की सारी चीज़ें ऑफ कर दी जाए, तो यहाँ पर ये सारा ऑफ हो गया। तो देखा भाई आप सभी ने, जितना आपके घर वाले नहीं सुनते उससे ज़्यादा आपकी ये वाली डिवाइस सुनेगी, आप बोलोगे जो काम करेगी, मतलब आपका पर्सनल असिस्टेंट जो होता है ना वो भी आपका इतना नहीं सुनेगा। आप उसे पैसे दो वो भी बोल देगा एक टाइम के लिए हाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको हमेशा बोलेगी कि हाँ जी सर कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कहाँ से देख रहे हो वीडियो मुझे वो भी कमेंट करके बताना। आप अगर अपने घर के अंदर लगाओगे इसको तो क्या क्या डिवाइस इसके अंदर कनेक्ट करोगे वो भी मुझे कमेंट करके बताना। का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप परचेस कर सकते हो काफी कम रेट में और अच्छी क्वालिटी वाला। तो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद जय भारत, बाय बड़ी।